राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी RBSE 12वीं के परीक्षा परिणाम का इंतजार खत्म हो गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कला, विज्ञान और वाणिज्य के नतीजे सोमवार को जारी कर दिए। बोर्ड प्रशासक और संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा तीनों परिणाम उन्होंने एक साथ जारी किया। उन्होंने बताया कि विज्ञान विषय का परिणाम 97.73% रहा, कला वर्ग का परिणाम 96.88% तो वहीं कॉमर्स का रिजल्ट 98.95% रहा। बोर्ड प्रशासक और संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा ने रिजल्ट जारी करते हुए बताया कि साइंस, कला और कॉमर्स रिजल्ट में लड़कियों ने बाजी मारी है। आपको बता दें कि पिछले साल कॉमर्स रिजल्ट का 96.60%, साइंस का रिजल्ट 95.65% और आर्ट्स का रिजल्ट 92.32% रहा था। वहीं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSE द्वारा इस हफ्ते कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के परिणाम घोषित करने की संभावना है। आपको बता दें कि बोर्ड ने 10वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी कर ली है। कक्षा 10वीं का परिणाम मई के अंत तक या जून के पहले हफ्ते तक आने की संभावना है। RBSE के आंकड़ों को देखें तो करीब 20 लाख छात्र हर साल राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा में शामिल होते हैं। साल 2024 की बात करें तो RBSE 10वीं परीक्षा में लगभग 9 लाख और इंटरमीडिएट परीक्षा में करीब 9 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया था। इंटर आर्ट्स में लगभग 6 लाख छात्र थे। वहीं 2,31,000 छात्र विज्ञान में और 27,338 छात्र वाणिज्य में थे। आपको बता दें कि राजस्थान बोर्ड की सेकेंडरी परीक्षा 7 मार्च से 31 मार्च 2024 के बीच आयोजित की गई थी। वहीं हायर सेकेंडरी या इंटर की परीक्षा का आयोजन 26 फरवरी से 4 अप्रैल के बीच हुआ था। राजस्थान बोर्ड बीते कुछ सालों से मेरिट लिस्ट की घोषणा नहीं करता। कुछ साल पहले से बोर्ड द्वारा टॉपरों का ऐलान नहीं किया जाता है। हालांकि किस जिले का रिजल्ट सबसे बेहतर रहा इसका आंकड़ा जरूर बताया जाता है। इस बार भी टॉपरों के नामों का ऐलान नहीं हुआ। बोर्ड के द्वारा परिणाम को लेकर किसी तरह की कोई भी आधिकारिक तारीख और समय की घोषणा नहीं की गई है। परिणाम जारी होने के बाद जो छात्र परीक्षा में उपस्थित हुए हैं वे बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rajresults.nic.in के माध्यम से अपना ऑनलाइन स्कोर कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान बोर्ड मेरिट लिस्ट जारी नहीं करता है। कुछ साल पहले ही उसने टॉपरों का ऐलान बंद किया था और ऐसे में टॉपरों का ऐलान इस बार भी नहीं हुआ।